वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका यूट्यूबर नमकीन व्लॉग्स। आज की वीडियो का टॉपिक, आज मैं तो अपने गांव का रिव्यू कराऊंगा। अभी रात होने वाली है तो छोटा सा रिव्यू कराऊंगा और चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। आपको छोटा सा रिव्यू दिखाएंगे। अभी ये फसल काटी गई है, उसका थोड़ा सा रिव्यू आपको दिखा रहा हूँ। मकई की फसल काटी गई है, गाइज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि मेरे नए लेटेस्ट वीडियो आने वाली आप तक पहले पहुंच सके। गाइज मुझे चलने में बहुत मुश्किल हो रही है, और क्योंकि अभी मकई की फसल काटी हुई है, हमें इसे पंजाबी में टांडा कहते हैं। आपकी ज़ुबान में उर्दू में क्या कहते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। और मुझे तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं कभी इसी तरह चला नहीं हूँ ऊपर, और बहुत मज़ा आ रहा है। और मौसम भी आप चेक कर सकते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है। अभी मौसम बारिश का मौसम है, और अभी मैं थोड़ा सा आपको सब्ज़ा दिखाऊंगा। मेरा मुंह सफ़ेद नहीं आ रहा है। आप सब्जा को देख सकते हैं कितना प्यारा है, मौसम हो चुका है और गाइस आप देख सकते हैं हवा ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही है और दिल को बहुत सुकून पहुँच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है और गोपालपुर में खासकर फसल बहुत काश की जाती है। यहाँ की फसल आलू है जो ज़्यादा जिसे ज़्यादा डिमांड है आलू की गोपालपुर में। और मैं इस वक्त मैं पंजाब में हूँ और आप देख सकते हैं, साथ ही चावल की फसल काश की गई है। आप ये सब्ज़ा देख सकते हैं, चावल वगैरह लगे हुए हैं ऊपर। और गाइस ये छोटे छोटे चावल अभी लगना स्टार्ट हुए हैं, और सब्ज़ा वगैरह आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे गांव के रिव्यू में कितना सब्ज़ा है। और मैं अभी फसल के अंदर जा रहा हूँ, साथ ही मकई की फसल काश की गई है। काश की गई थी जो अभी लगाई गई है, अभी काटी गई है उसे, साथ ही फसल काटी गई थी कुछ माह पहले, अभी से काटा गया है। आप देख सकते हैं अपना तो स्वैग है यार विलेज का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नए लेटेस्ट वीडियो आने वाली आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।